अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको शाद व आबाद रखे। मेरा नाम अली रज़ा है। मेरी चैनल बर्ड फार्मिंग उसके साथ आज का मेरा टॉपिक है दक्कनी चितर। ये है दक्कनी चितर में दो इकसाम हैं। पहली इकसाम ये है ईरानी चितर। तो ईरानी चितर के बारे में आज हम आपको बताएँगे इंशाल्लाह, मुकम्मल डिटेल देंगे इनकी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ये हैं ईरानी तीतर। तो ये मैंने जून में लिए थे, फिक्स लिए थे इनके जून में। तो अब माशाल्लाह ये नेक्स्ट मंथ फरवरी में ये ब्रीड के लिए तैयार होंगे। ये छोटी मादा है और बड़े वाला नर है। मादा थोड़ी हेल्दी नहीं है, इंशाल्लाह एक मंथ तक ये भी काफ़ी ग्रो कराएगी। तो ये भी अच्छा बिजनेस है, ये बहुत अच्छा सेटअप है इनका। इनका एक सेटअप मतलब ये एक आप लेते हैं तो ये आपको अच्छी खासी दे जाती है, अच्छी खासी आपको इनकम दे जाएगा। ये इनका एक बच्चा मार्केट में सेल हो रहा है का वो 1000 या इससे इधर ही राउंड अबाउट कहीं है, तो 1000 तक तो है ही है ना। तो इससे ऊपर भी चला जाता है 1400-1200, लेकिन 1000 से नीचे कभी नहीं गया। तो इनका अभी सीज़न शुरू है, तो मैं आप दोस्तों को मशवरा दूंगा, ये आपको 8000-7000 में ये बहुत अच्छा कारोबार है। 8000-7000 में अगर आपके ये 20 बच्चे निकल आते हैं तो आप देख लें 20000 रुपया। और अगर इन्हें आप 3-4 महीने बड़ा करके बेचते हैं तो वो आपके 5000 का भी जोड़ा सेल हो जाएगा, 4000 का, 4500 का, इतने का। तो वो आप हिसाब लगा लें तो वो आपका कितना प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। तो इनका सर्दियों में इनका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। ये तो अभी मैंने बैर निकाले हैं, लेकिन उन्हें मैंने बिल्कुल सर्दियों में जिस टाइम की हिफाजत होती है उसी तरह की हुई थी। तो ये अभी वो आपके लिए निकाले हैं ताकि आपको पता चल सके कि इनके ईरानी तीतर कैसे होते हैं, अगर किस तरह ब्रीड वगैरह करते हैं। इनका मुकम्मल सेटअप ब्रीड वगैरह का भी मैं बताऊंगा आपको, ब्रीड जब इनकी होगी वो वीडियो भी बना के इनके चिक्स वगैरह सब चीज़ इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये बहुत अच्छा सेटअप है। इसके बारे में मादा जो होती है उसकी जो कील होते हैं खारें वो नहीं होती, और नर की कील वगैरह होते हैं, ठीक है। ये मादा की मेल और फीमेल की पहचान है। तो ये बहुत अच्छा मुझे पेयर मिल गया था। ये इंशाल्लाह इससे भी काफ़ी और ग्रो करेंगे, ये काफ़ी बड़े होंगे, इससे भी साइज थोड़ा इनका बड़ा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न पे भी ये और बड़े हो जाएंगे। तो ये मुकम्मल जोड़ा, अभी तो ये इनका पहला ब्रीडिंग का सीज़न होगा, पहली बार ब्रीड करेंगे, ठीक है। तो ये जोड़ा अगर मार्केट से आप परचेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा तकरीबन 7000-8000 का। आगे सीज़न चल रहा है तो ये 10000 तक भी है, 10000 का भी मिल जाता है। तो आउट ऑफ सीज़न 7000 का मिल जाता है। और आप देखें अगर 7-10000 से आप कारोबार शुरू करें तो आपका कारोबार 10000 से 30000 तक एक पेयर का चला जाता है, एक पेयर आपको। तो उस हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा कारोबार है, ये मतलब बहुत इसमें मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ना इनका खर्चा भी बहुत कम इनका खर्चा है व्यूअर्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह आपने मेज़बान अली रज़ा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।